हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। अरे देखो इतनी सारी भुज्जी, ये पालक दही पालक से ना, ये पालक है देखो इतना सारा। पर ये वाला ख़राब है, ये भैंसों के लिए है। जो अच्छा वाला था वो निकाल दिया, कुड़ुक वगैरह भी रख दिया मैंने भैंसों के लिए। और कौन आया देखो हमारे घर पे। ओए ओए, कभी कभी तो बहुत शर्माती है ना, ऐसे बहुत तेज है भी। काखड़ ने खा दिया, ये तो खराब हो गया। काखड़ मतलब हिरन। ऐसे अभी मैं गाय के साथ था और मुझे एक गरुड़ दिखा, यहाँ पहले नदी में बैठ रखा था और अब भाग के उधर चला गया। शायद उसने देख लिया था मुझे। मैं दिखाता हूँ आपको नजदीक से, बस भागे ना। इधर ही कहीं बैठा हुआ था नीचे, कोई एग्जैक्ट पता नहीं। उसने आवाज़ सुन ली मेरी तो भाग जाएगा। वो देखो भाग गया, वो देखो वो उधर जाके बैठ गया। देखो कुत्ता बड़ा है भाई साहब, पता नहीं कुछ पकड़ रखा उसने। एक गरुड़ तो ना, कुछ बड़ी सी पक्षी अलग ही लग रहा है, एक गरुड़ ही होगा पता नहीं। और भाग रहा है मुझे देखकर, वो कितना बड़ा है देखो। ऐसे सांप नहीं दिख रहा पर बहुत बड़ा है वो, देखो इतनी दूर से दिख जा रहा है इतना सांप, लगा लो कितना बड़ा होगा। और इसको देखो, इस काले कुत्ते को, इतना बड़ा, इतनी बड़ी हड्डी लेके आ गए। देखो इतनी बड़ी हड्डी, पता नहीं किसकी सर की है, मतलब किसी जानवर के सर की होगी। इधर बहुत पड़ी रहती है, यहाँ भी मर जाते हैं, ऊपर से गिरता है कोई तो फिर मर जाते हैं जानवर, मतलब गाय बैल वगैरह। देखो कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं, ये खा रहा है आराम से। अरे पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा, बड़ी मुश्किल से उधर छोड़ के आया था भैंसों के साथ, वापस आ गया इधर। वो देखो ऊपर बैठ गया थोड़ा सा वहाँ पे। ये देखो कुछ तो खा रहा है उसने, कुछ तो पकड़ रखा है, भाग रहा है मुझको देखकर। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30 लगभग, और अभी तो भैंसों को घर ले जाते हैं, धूप भी काफ़ी लगी हुई है। और गाय तो आगे पहुंच गई, पर भैंसों को नहलाना पड़ेगा पहले, फिर ले जाएंगे। और एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, नदी में मेंढक के बच्चे होते हैं ना जो, वो छोटे छोटे कैसे होते हैं दिखाऊंगा अभी आपको। नीचे कल देखे थे मैंने, जब मैं कल आया था गाय के साथ तो मैंने देखे थे नदी में, कल मैंने वीडियो बनाई नहीं, भूल गया था मैं, पर आज दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुछ ऐसे होते हैं मेंढक के बच्चे, नज़दीक से दिखाता हूँ बिल्कुल। ये देखो जो सांप से दिख रहे हैं ना आपको, सांप नहीं होते, मेरे मेंढक के बच्चे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़ी रस्सियों की तरह ये सांप से बने हुए, इतने सारे, और एक ही मेंढक के बच्चे होंगे इतने सारे। यहाँ पर भी रख दूँगा ना ऐसे ही, तो नीचे आ जाए बिल्कुल बिल्कुल। देखो गजब है एकदम यार, बिल्कुल सांप लगते हैं दूर से तो देखने में, नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो एकदम ऐसा लगता है जैसे सांप डोल रहे होंगे इधर इतने सारे, और सारे एक ही मेंढक के बच्चे होंगे। और ये काले काले दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये हैं बच्चे, हल्के हल्के से दिख रहे होंगे काले काले, ये इसके अंदर ये है मेंढक के बच्चे, और ये फिर डोंके बनते हैं। अब जो पहाड़ी लोग होंगे उनको तो पता होगा डोंके क्या होते हैं, काले काले से होते हैं, मच्छियों के साथ ही तैरते हो अभी, मतलब किनारे पर रहते हैं तो वो होते हैं। और अभी तो फिलहाल ये छोटे छोटे हैं, जब बड़े होंगे फिर मेंढक बन जाएंगे, पहले डोंके बनते हैं उसके बाद मेंढक बन जाते हैं। तो इतने सारे एक ही मेंढक के बच्चे होंगे, और ये एक ही जगह पे नहीं, जगह जगह पे होते हैं, देख लो बिल्कुल सांप की तरह। ये देखो एकदम सांप लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे सांप ही होंगे। इधर बहुत जगहों पर मिल जाएंगे, देखो यहीं यहाँ पर भी है ना, एक ही मेंढक के होंगे, और इधर भी है देखो, हर जगह पे मिल जाएंगे आपको। देखो इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ बन रखी है, देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा, इतने सारे बिल्कुल सांप की तरह लगते हैं सेम भाई। इसको पता नहीं होगा ना, वो तो सांप ही समझेगा इन्हें, तो मेंढक के बच्चे हाथ से ही पकड़ सकते हैं इनको, पहले पकड़ते थे हम, बिल्कुल टूट जाते हैं ऐसे, ऊपर खींचो तो फिर टूट जाते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पर मछलियाँ तो पता नहीं होंगी नहीं होंगी, ऐसे बाहर तो दिखती नहीं अब, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं नहीं, मतलब ढंडी बनाते हैं जो, वो है नहीं, तो अंदर होगी तो इनके अंदर होगी पत्थरों के नीचे, ऐसे तो दिखेगी नहीं। और धूप भी काफ़ी लगी है तो मैं अभी घर चलता हूँ, भैंसे नहलाता हूँ पहले।
तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और लगभग 4:30 हो गया टाइम। अरे देखो बेचैन आत्मा मेरे साथ फिर से आ गया, बेचैन आत्मा गोलू। इस पर कुछ करने को नहीं होता, घर में तो यहाँ आ जाता है और मैं गाय के साथ हूँ। और आज थोड़ा मौसम अजीब सा हो गया इस वक्त, देखो बादल लग गए फिर से। कल परसों से ऐसे ही हो रहा है, मतलब शाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ऐसा मौसम हो जा रहा है। सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं पर बारिश आ ही नहीं रही। शाम के टाइम मौसम ऐसा हो जा रहा है पर फिर से धूप लग जा रही है। देखो हल्की हल्की धूप आ गई उधर से, पर ऐसा ही मौसम है। और ये मौसम बरसात के मौसम में मेंढक, तो इधर ही गाय चराता हूँ मैं आराम से, उसके बाद जाऊँगा घर। तो अभी घर पे आ गया हूँ मैं गाय लेके, और अभी तो फिलहाल छन्नी में हूँ। गाय बैल सब कुछ बांधे, मतलब बैल और भेड़। और ये देखो ये उपले बना रखे हैं गोबर के, गांव में ऐसे होते नहीं है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, मतलब देख के आ रहा हूँ पहली बार ही बन रहे हैं। और शायद हमने ही बना रखे हैं, पता नहीं क्यों क्या आया इनके मन में, उपले बना रखे देखो गोबर के, आग जलाने का। आग तो सही जल रही है इनसे, पर ऐसे गाँव में होता नहीं है, ऐसा शहरों में होता है ना। कालू मारता है देखो, ये मारेगा ये देखो, मारता नहीं बस एक्टिंग करता है। अरे ये तो अच्छा है, ये देखो ये खोल रखा हमने। सोनू इसके बाल खा देगा, हटो इधर। और ये था ही ना देखो गुड, क्योंकि इनके सिंगों पे हाथ नहीं लगाते, बल मैं तो लगा रहा हूँ वरना सिंग बड़े नहीं होते बल इनके। छोड़ दे, हैं क्या बोल रहे हैं आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ क्या, भेड़ के किससे काटेगी उसके बाल, कहाँ है वो कैंच, कैंच खुजाओ, कैंच उसको। आज आपके चश्मे कहाँ गए? हाँ मेरे चश्मे तो अंदर गए, उसे नजरी नहीं लग गई। नजरी नहीं लग रही नहीं। अब दूरबीन लगाएंगे आंखों पे? हाँ दूरबीन तो लगेगा आंखों पर, तब ठीक हो जाएंगे ना। तो ठीक है, फिर आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसे ही डेली व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।